आप पूछे बच्चे से, बेटा मैं कहाँ फेल हो गया, मैं कहाँ तुम्हारे इमोशंस को नहीं समझ सका कि तुम्हें सिगरेट की जरूरत पड़ी, तुम्हें नशा करने की जरूरत पड़ी, तुम्हें पॉर्न देखने की जरूरत पड़ी, तुम्हें मैस्टरबेशन की जरूरत है। बात कर सकते अपने बच्चों से इस पर? नहीं कर सकते तो फिर शोर ना मचाएं कि आपका बच्चा क्यों सिगरेट पीता है। आपको कोई हक नहीं पहुंचता उसे ब्लेम करने का, उसे शेम करने का। दोस्तों मुझे इनबॉक्स में वैसे तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन उसमें से एक मैसेज ऐसा था जो मेरी तवज्जा खींच गया, और वो आयाज साहब का मैसेज था, क्योंकि उसमें उन्होंने ना अपनी उम्र का तذکرہ किया था, उम्र का जिक्र किया था, उनकी एज। उन्होंने कहा कि उन्हें इल्म तो सारा है, उन्हें पता तो है कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। उनकी एज 43 है, और हमेशा वो जो इल्म उनके पास था ना, वो अमल से महरूम रहा। क्यों आप अपने पास मौजूद नॉलेज पर अमल नहीं कर पाते, क्या वजह है इसकी? सबसे पहले तो हम इस पर बात करेंगे, और फिर उसके बाद में बात करूंगी एज फैक्टर पर। एज इज जस्ट अ नंबर, मशहूर डायलॉग है ना बहुत ज्यादा, कि उम्र तो बस एक नंबर है। लेकिन ऐसा नहीं है, उम्र महज एक नंबर नहीं होता, बहुत मायने रखती है। सही एज पर सही काम ना किया जाए तो उसके बाद सिर्फ पछतावा ही आपके पास रह जाता है और कुछ भी नहीं रह जाता। तो एज को भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी एज होती है जिसमें आपको गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए अपने ऊपर कि क्या मैं अपनी जिंदगी में मौजूद जो मसाइल हैं वो ठीक कर सकता हूँ, या फिर जो मेरे पास इल्म है क्या उस पर मैं अमल कर सकता हूँ। दोस्तों सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो इल्म किसी काम का नहीं है जो आपकी जिंदगी में बदलाव ना ला सके, जिस पर आप अमल ना कर सकें। अगर तो आप अपने पास मौजूद इल्म पर अमल नहीं कर पा रहे, तो उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जो कि इस वीडियो में मेरा आपको बताना नामुमकिन है। इनफाइनाइट फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जो बहुत अहम फैक्टर्स जो मैंने देखे, जो कॉमन फैक्टर्स हैं, उसमें नंबर वन ये है कि आपको ना पूरा इल्म नहीं है, आपका इल्म अधूरा है, आपको पता ही नहीं है इस बात का कि जो नॉलेज है ना, जब आपके पास आती है, आपको कोई एक बात बंदा बोलता है, बोलकर वो चला जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके माइंड ने उस नॉलेज को पढ़ लिया, समझ लिया, तो अब आपके मसले हल हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए कि लर्निंग या चेंज कोई मेंटल अमल नहीं है, बल्कि फिजिकल अमल है। यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई चेंज लाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको फिजिकल एफर्ट करनी होती है। इल्म तो मेंटल है, आपको किसी ने दो लाइनें बता दी विजडम की, आपको पता चल गया कि अच्छा मेरे साथ ये मसला है, लेकिन उस मसले को ठीक करना, उस मसले को बेहतर करना एक फिजिकल अमल है, कि जिसमें आपने बार बार रिपीट करना होता है उस एक अमल को, तो ही आपके ब्रेन में नई वायरिंग होती है, तो ही नए नतीजे सामने आते हैं। तो याद रखिएगा कि जो लर्निंग है, जो नॉलेज है ना, अगर उसको आप फिजिकली अप्लाई नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, तो वो किसी काम की नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ना अयाज साहब ने मुझे मैसेज में कहा था कि मैडम मेरी लाइफ में जो इश्यूज हैं वो ये है ना कि मुझे इल्म तो पूरा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैं उसे एग्जीक्यूट कैसे करूँ। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि मुझे स्मोकिंग की आदत है, मैं स्मोकिंग करता हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे पता है सिगरेट छोड़नी है, बहुत बार कोशिश भी की लेकिन मैं नहीं छोड़ पाता। तो यही वजह है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, मेरे पास जो इल्म है वो किसी काम का नहीं, क्योंकि मैं उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। देखिए कभी कभार जब हम ना, हमारे पास इल्म आता है तो, या फिर हम किसी चीज़ को ठीक करने के बारे में अपनी लाइफ में सोचते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम ठीक करनी है, तो हम ना उसके सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, हम उसकी जड़ में कभी नहीं जाते। मिसाल के तौर पर बहुत मुमकिन है कि अयाज साहब का जो स्मोकिंग करना है ना, वो सिम्टम है, अलामत है, लेकिन उस स्मोकिंग क्यों करते हैं, उन्होंने जब शुरू की उस टाइम पर कोई ट्रॉमा था, कोई फीलिंग्स थी, कोई स्ट्रेस था जो उनसे नहीं प्रोसेस हो पा रहा था, तो उसको प्रोसेस करने के लिए उन्होंने स्मोकिंग स्टार्ट की। अब वो स्मोकिंग खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन स्मोकिंग रियल वजह नहीं है, रियल वजह तो वो इमोशंस हैं जो उस स्मोकिंग के साथ जुड़े हुए हैं। रियल वजह तो बहुत मुमकिन है वो ट्रॉमा है, रियल वजह ये है कि उनको अपना स्ट्रेस किसी और तरीके से प्रोसेस ही नहीं करने आता, उनको अपने इमोशंस को प्रोसेस करने का एक ही तरीका आता है, और उसे कहते हैं सिगरेट, स्मोकिंग। मिसाल के तौर पर आपको बुखार हो रहा है, लेकिन वो जो बुखार है, वो जो फीवर है, वो सिम्टम है किसका? सोर थ्रोट का, कि आपका गला खराब है, आपके इन्फेक्शन हो गया गले में, जिसकी वजह से आपको बुखार हो रहा है, आपको सिम्टम हो रहा है कि भाई कोई मसला है गले में। लेकिन आप अपने उस इन्फेक्शन को ठीक करने की बजाय पैरासिटामोल ले रहे हैं, बुखार खत्म कर रहे हैं,
आप अलामत खत्म कर रहे हैं, लेकिन जहां से वो अलामत आ रही है, यानी कि जहां से वो बुखार आ रहा है, वो जो इन्फेक्शन है, उसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स लेनी है, लेकिन आप एंटीबायोटिक्स नहीं ले रहे, आप सिर्फ बुखार को ट्रीट कर रहे हैं। यही वजह होती है कि हमारी बहुत सी एडिक्शन, हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें जो हमसे नहीं हो पाती, वो समटाइम्स अलामत होती हैं, सिम्टम होती हैं, उसकी गहराई में इमोशंस हैं उससे जुड़े हुए, जिन्हें प्रोसेस करना है, मेंटल क्लैरिटी चाहिए, कोई ट्रॉमा है या कोई रिग्रेट है या जो भी चीज है आपकी लाइफ में, जो पिछले आपने आपकी जो हरकतें हैं या जो करतूत हैं वो आपके सामने आ रहे हैं अब, तो आपको ना उनको जाकर ठीक करना है, आपको उन इमोशंस को प्रोसेस करना होता है। इमोशन प्रोसेस होंगे, ट्रॉमा प्रोसेस होगा, सिगरेट छूट जाएगी। और याद रखिए, जो नॉलेज पर अमल करने का जो सफर है ना, ये जो इल्म पर आपने अमल करना होता है, इसको एग्जीक्यूट करना होता है, ये ना फेलियर का सफर है। इसमें आप फेल होते हैं, फिर आप दोबारा फेल होते हैं, फिर आप थोड़ा सा अच्छे से फेल होते हैं, फिर आप और भी ज्यादा अच्छे से फेल होते हैं, फिर बहुत अरसे बाद ऐसा टाइम आता है ना कि जब आपको वाकई में कंट्रोल आ जाता है अपनी उस आदत पर, अपनी उस हरकत पर। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, अपनी ही मिसाल दूंगी, हालांकि मैं थेरेपिस्ट हूं, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ मामला मेरे साथ भी उल्टे सीधे हो जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें मैं भी फेल हो जाती हूँ, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि मैं पहले से ज्यादा बेहतर तौर पर फेल हुई हूँ। 2-3 दिन पहले की बात है, 3-4 साल पुरानी मेरी एक आदत है, उसमें मैं फेल हुई दोबारा से, लेकिन जब मैंने गौर किया तो जिस तरह से मैं 3-4 साल पहले फेल होती थी ना, उससे अब ज्यादा बेहतर तौर पर फेल हो रही हूँ। अब ज्यादा सेंस ऑफ कंट्रोल है, अब ज्यादा मुझे अपनी उस एडिक्शन पर कंट्रोल है। तो यहाँ पर आप लोग का जो माइंड है ना, वो बहुत आइडियलिज्म पर चलता है कि अगर मुझे इल्म आ गया तो अब मैं बिल्कुल सेट हो जाऊं, या फिर अगर मैंने 1-2 बार नहीं पी सिगरेट तो अब हमेशा के लिए सब सही हो जाएगा। नहीं, फेल फेल अगेन फेल बेटर, ये आपका फॉर्मूला होना चाहिए जिंदगी का। तो जो मेरी वो बात है जिसमें मैं अभी फेल हो रही हूँ, जो मेरी एक चीज को मैं ठीक करना चाह रही हूँ लेकिन मैं फेल हो रही हूँ, एक टाइम आएगा जब मुझे उस पर फुली कंट्रोल हासिल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे बार बार फेल होने का हुनर आना चाहिए। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो उनके पास नॉलेज है, जो जो कुछ भी उनके पास है, जो वो पढ़ रहे हैं, वो उस पर अमल नहीं कर सकते क्योंकि वो फेल नहीं हो सकते। वो जब एक बार फेल हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि बस मैं तो किसी काम का नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होने वाला ये। लेकिन आपको सीखना होगा बार बार फेल होना और अच्छे से फेल होना। जैसे कि ट्रॉमा बॉन्ड के जो भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना मेरे, मुझे पता होता है वो बहुत वल्नरेबल पोजीशन में है। मैं कभी भी उनसे ये नहीं कहती कि आप अपने नार्सिसिस्ट बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को या जो भी आपका पार्टनर है, आप उसे एकदम से छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे पता है वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। मैं उन्हें कहती हूँ कि ठीक है, आपने अगर कुछ अर्सा छोड़ा और फिर आपने दोबारा कर भी लिया, तो खुद को माफ करें और गौर करें कि क्या पहले से ज्यादा कंट्रोल आया है आपको, क्या पहले से ज्यादा जो आपकी जो फीलिंग्स हैं उस बंदे की जाने, उसमें कुछ कमी आई है? अगर आई है ना, तो वो आपकी जीत है, वही तो सक्सेस है। आप दोबारा से उससे नो कांटेक्ट जाएं, आप दोबारा से अपने पर वर्क करें, दोबारा से अपने आप को समझें। वो जो कॉम्प्लेक्स आपकी एडिक्शन है, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे वो ट्रॉमा बॉन्डिंग है, वो एक कॉम्प्लेक्स पेचीदा एडिक्शन है। उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारा गंद उसके ऊपर है, वो सब हटने में टाइम लगता है, चीजों को, सॉरी इमोशंस को, चीजों को नहीं, इमोशंस को प्रोसेस होने में टाइम लगता है। तो आपको जो माइंडसेट है ना, फेलियर माइंडसेट होना चाहिए कि कैसे मुझे और भी अच्छे से फेल होना है जिंदगी में, ताकि मैं सक्सेस की तरफ जा सकूं, ताकि मैं वो टाइम जब मुझे फुली कंट्रोल आ जाए अपनी एडिक्शन पर, अपनी लाइफ पर, उसके लिए मुझे बहुत बार फेल होना है। यही वजह है कि जो भी ट्रॉमा बॉन्ड वाले मेरे पास आते हैं, जो एडिक्शन वाले अफराद मेरे पास आते हैं, एडिक्शन साइकेट्री ऐसे ही काम करती है कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेज देते हैं, आप उसे ऑर्डर देते हैं कि मुझे अपनी लाइफ को ठीक करना है, फैला हुआ रायता साफ करना है, तो वो आपकी हेल्प करता है, वो कर रहा होता है, आपका ब्रेन आपकी मदद कर रहा है, वो लगा हुआ है, वो कहते हैं हाँ यार बहुत मिजरी हो गई है लाइफ में, सेट करना है सब। लेकिन चूंकि आप जब 1-2 बार फेल हो जाते हैं ना, तो आप अपने आप को इतना बैश करते हैं, आप इतना गिल्ट में चले जाते हैं कि आपकी उम्मीद ही खत्म हो जाती है, आप अपने माइंड का साथ ही नहीं देते, आप उल्टा उस पर शुरू हो जाता है, उसको गालियां देना शुरू हो जाता है कि यार तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, यू आर अ फेलियर। तो ये चीज अपने आपको समझा दें कि जो लर्निंग है, जो एडिक्शन को ठीक करना है, वो है फेल फेल अगेन फेल बेटर, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। यहां अगर मैं आपको स्मोकिंग की एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दूं ना, मेरे पास एक
क्लाइंट आया, एक बच्चा यंग, और वो स्मोकिंग करता था, तो दिन में वो तकरीबन 20 से 25 सिगरेट पीता था। उसको भी सिगरेट छोड़नी थी, तो मैंने उससे पूछा कि आपने जब सिगरेट स्टार्ट की थी तो आपकी क्या एज थी? उसने कहा मैं 7th क्लास में था। तो मैंने उससे पूछा कि जब आप 7th क्लास में थे तो उस टाइम आपकी लाइफ में क्या हो रहा था? उसने मुझे कहा कि उस टाइम पर उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा था, और डिवोर्स बहुत मैसी डिवोर्स था। एक 7th क्लास का बच्चा जिसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा है, और पेरेंट्स अपने ही गम में, अपने ही ड्रामों में डूबे हुए हैं, बच्चे की उनको कोई परवाह नहीं है, बच्चे को नहीं पता कि उसने अपने इमोशंस को कैसे प्रोसेस करना है। उसकी वो जिंदगी उसके वालदैन के साथ जो पहले थी वो रातों रात बदल गई, सब कुछ खत्म हो गया। तो ऐसे में उस बच्चे को अपने इमोशंस को प्रोसेस करने का एक ही तरीका नजर आया, जिसको बोलते हैं सिगरेट। अब वो बच्चा उसको खत्म करना चाह रहा है, उसने 25 सिगरेट से 4 सिगरेट तक का सफर तय कर लिया है। क्योंकि मैं समझती हूँ उस सिगरेट के साथ उसका ट्रॉमा जुड़ा है, उसके पेरेंट्स का डिवोर्स जुड़ा है, उसने उस यंग एज में अपने इमोशंस को सिगरेट से प्रोसेस करना सीखा। अभी वो जैसे जैसे अपने इमोशंस को समझ रहा है, उन्हें प्रोसेस कर रहा है, उसके सिगरेट की मिकदार, तादाद, इंटेंसिटी कम होती जा रही है। और चूंकि अब कोई उसको ना शेम कर रहा है ना गिल्ट कर रहा है सिगरेट पीने के लिए, तो बच्चा समझ रहा है कि मेरे साथ जो हुआ है वो मेरा कैरेक्टर बुरा नहीं है, मैं बंदा बुरा नहीं हूं, लेकिन चूंकि मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, बड़े बड़े इमोशंस मेरी जिंदगी में आए, बड़े बड़े हादसात मेरी जिंदगी में आए जिनको प्रोसेस करना था मुझे अकेले, और मैंने ऐसे ही किया क्योंकि मुझे यही तरीका पता था। अब वो सीख रहा है अपनी जिंदगी में अपने इमोशंस को प्रोसेस करना। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात पता है क्या है, कि उस बच्चे की मदर अभी भी उसका साथ नहीं देती, उसे अपनी अम्मा को झूठ बोलना पड़ता है कि वो नहीं पीता सिगरेट, जबकि वो पी रहा है अभी भी, वो प्रोसेस कर रहा है, उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे दिया है, वो कोशिश भी कर रहा है, वो लगा हुआ भी है, लेकिन एकदम से कोई आदत नहीं छूटती, खासकर वो आदत जिससे आपके इमोशंस जुड़े हों, जिससे आपका ट्रॉमा जुड़ा हो। मे बी आप टीनेजर हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आपने उस टाइम पर सिगरेट पीनी शुरू कर दी, अभी आप 2 दिन में तो नहीं छोड़ दोगे ना, टाइम लगता है, आपको बार बार फेल होना होता है, फिर दोबारा उठना होता है। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, मेरे उनसे एक ही गुजारिश है कि प्लीज अपने बच्चों को जज मत करें उनकी एडिक्शन के लिए, बच्चे का साथ दें। अगर बच्चा एडिक्शन में है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, आप ही अपना किरदार नहीं निभा सके। आप पूछें बच्चे से, बेटा मैं कहाँ फेल हो गया, मैं कहाँ तुम्हारे इमोशंस को नहीं समझ सका कि तुम्हें सिगरेट की जरूरत पड़ी, तुम्हें नशा करने की जरूरत पड़ी, तुम्हें पॉर्न देखने की जरूरत पड़ी, तुम्हें मैस्टरबेशन की जरूरत है। बात कर सकते हैं अपने बच्चों से इस पर? नहीं कर सकते तो फिर शोर ना मचाएं कि आपका बच्चा क्यों सिगरेट पीता है। आपको कोई हक नहीं पहुंचता उसे ब्लेम करने का, उसे शेम करने का, क्योंकि आपने एज अ पेरेंट अपना कोई किरदार अदा नहीं किया। अयाज साहब, आपको भी अपने आप को शेम करने की जरूरत नहीं है। आप जाएं गौर करें वो कौन से इमोशंस हैं जो सिगरेट के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें प्रोसेस करें और नया तरीका ढूंढें कोई जो आपको आपके जज्बात, अनकंफर्टेबल जज्बात, आपके रिग्रेट्स, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हुआ उसको प्रोसेस करने में आपकी मदद करें। इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप ये जरूर कर पाएंगे।